पहले अब शुरुआत करते हैं, हमारे तीसरा जो कंटेस्टेंट है उनके सामने कौन सा टॉपिक आने वाला, तीसरा कंटेस्टेंट कौन सा, ये भी देख लेते हैं। कल्पेश कोठारी, स्ट्रिप स्ट्रेटजी। स्ट्रिप स्ट्रेटजी, आपका समय शुरू होता है अब। स्ट्रिप स्ट्रेटजी एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है जहाँ पे हम ऑप्शन को एक स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करते हैं। ये टॉपिक में एक एग्जांपल के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा पाऊँगा। सपोज कोई एक कंपनी है जिसका कल या परसों में रिजल्ट आने वाला है। अभी मेरा ये फीलिंग है कि उसका रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव रहेगा किसी भी रीज़न से। हो सकता है उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ या फिर सेल्स कम हुआ, उसके कारण से उसका प्रॉफिट फिगर्स और सेल्स फिगर्स नेगेटिव आएगा, ऐसा मेरा फीलिंग आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिप के लिए मैं दो पुट ऑप्शन परचेस करूँगा और एक कॉल ऑप्शन परचेस करूँगा। दो पुट ऑप्शन इसलिए क्योंकि मेरा फीलिंग नेगेटिव है उस स्टॉक के ऊपर, तो मैं मान रहा हूँ कि वो स्टॉक बैडली फॉल करेगा जब उसका रिजल्ट आएगा। बट एक कॉल ऑप्शन इसलिए ताकि अगर मैं गलत हुआ तो मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं कॉल ऑप्शन परचेस करके रखता हूँ। ये स्ट्रेटेजी से ऐसा होगा कि जब मेरा एक्सपेक्टेड व्यू सही साबित होगा तब मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। बट अगर 30 सेकेंड इनवर्स पोजिशन हुआ, इनवर्स इवेंट हुआ, तो जो मैंने कॉल खरीदा हुआ है वो मुझे हेल्प करेगा मेरे कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, प्लस मेरे लॉस को कम करने के लिए। और वहाँ पे हो सकता है अगर इनवर्स पोजीशन बहुत ही बैडली इंपैक्ट किया तो मैं कॉल में भी अच्छा कमा सकता हूँ। दैट्स इट। चलिए, तो आपने भी अपना जो टाइम है उसको एटलीस्ट अधेयर किया और आपने भी अपने टाइम लाइन के अंदर ही अपने जिस टॉपिक है उसको समझाया। जी मिस्टर शाह, आपका सवाल। कल्पेश, हैव यू एवर डन दिस स्ट्रेटेजी इन स्टॉक मार्केट इन योर अकाउंट? इन योर अकाउंट? यस सर। सो कैन यू गिव एन एग्जांपल? फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वर्किंग फॉर आइशर मोटर आफ्टर 3 डेज, तो हाउ विल यू डू दिस स्ट्राइप एंड स्ट्रेडल? कैन यू एक्सप्लेन ऑल द अवर इन्वेस्टर्स? जनरली स्ट्रेडल, स्ट्रिप या फिर स्ट्रेंगल, ये सब स्ट्रेटेजीज में अगर कोई किसी कंपनी स्पेसिफिक में कोई बड़ा इवेंट ड्यू है तो ही मैं करूंगा, नहीं तो मुझे प्रीमियम का कॉस्ट लगेगा। दैट इज द रीजन आई आस्क, आई गेव यू आइशर मोटर्स। जो आप चाहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी या बड़ा वर्किंग आने वाला है, ऐसी कंपनी में आपको ये कंपनी के केस में आप कैसे करेंगे? सर, आई एम नॉट अवेयर कि आइशर मोटर में कोई नियर इवेंट है कि नहीं। अगर इवेंट है तो श्योरली ये एप्लीकेबल होगा उसमें। तो मानो 3 दिन के बाद वर्किंग है उसका, जो आप समझते हैं कि चलो वर्किंग अच्छा आएगा या खराब आएगा, तो वो केस में अच्छा रहने वाला आप सोचते हैं, हाँ, तो आप उसकी कैसे करेंगे? तो और खराब रहने वाला तो आप कैसे करेंगे? हाँ, अगर आप अच्छा, बोला दो पुट करेंगे, कॉल करेंगे, दो कॉल करेंगे, एक पुट करेंगे। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसका वर्किंग अच्छा आएगा तो मैं स्ट्रेप करूंगा। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसका वर्किंग खराब आएगा तो मैं स्ट्रिप करूंगा। अगर मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या आएगा, बट मुझे ये पता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज देंगे, रिजल्ट में कुछ सरप्राइज रहेगा, तो स्ट्रेडल करो। बरोबर, आप जो स्ट्रिप करेंगे उसमें प्रीमियम तो आता होगा ना, रफली कितना आता होगा? आपने किया है कि नहीं? मैंने पहला पूछा, कोई स्क्रिप्ट ने आपने किया है? हाँ हाँ किया है। तो प्रीमियम कितना लगता होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू अमाउंट कैन यू? अगर एट द मनी है तो मे बी 4,000-5,000 पर लॉट। और उसका मार्जिन कैसे रहेगा? अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूँ तो मार्जिन नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ प्रीमियम कॉस्ट देना है। अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मार्जिन रहेगा। ठीक है, फाइन। चलिए, तो कल्पेश के जवाब पूरे हो चुके हैं, अब कृष्णा आपकी बारी है। लेकिन पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि कल्पेश की परफॉर्मेंस, आप कितना संतुष्ट हैं? सैटिस्फाइड। आपको लगता है जो मेहनत इन्होंने की है उसके अब सही पैरामीटर में उतर रहा उसका? यस। चलिए, अब ये सवाल उनसे भी होगा थोड़ी देर बाद। चलिए, अब आखिरी कंटेस्टेंट, क्योंकि कृष्णा है, उनका टॉपिक क्या है वो बता दीजिए प्लीज। आपका टॉपिक है कृष्णा, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये आपको टॉपिक दिया गया है और आपको 90 सेकंड के अंदर से एक्सप्लेन करना है। आपका समय शुरू होता है अब। सिस्टमैटिक रिस्क, इट इज द सिस्टमैटिक रिस्क इज बेस्ड ऑन बेसिकली द मैक्रो फैक्टर्स, दैट इज द बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स, रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन recession and all that. It is the uncontrollable risk. Systematic risk we can control by the hedging and by the 1 minute. And unsystematic risk is the based on the news comes from the company and the that industry.
and that we can control with the diversification so that we can reduce the risk. Last 30, that's it. 60 सेकेंड में इन्होंने अपनी बात पूरी कर दी और शायद समय का सबसे बेहतरीन बचाव इन्होंने ही किया है. लेकिन अगला सवाल और जजेस पे जाने से पहले, कल्पेश से पहले आपसे सवाल अब पूछा जाएगा कि आप कितना संतुष्ट हैं जवाब से. आई थिंक मेरी नर्वसनेस वहाँ पे ट्रांसफर हो गई. शायद ये सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक रिस्क था, इधर से उधर चला गया. अच्छा, जजेस से शुरुआत करते हैं. मिस्टर मेहता, पहले आप शुरुआत करें. कृष्णा, मुझे ये तो आपने जो बताया वो एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है, मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल दोनों का एक एक दीजिए, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क का. सिस्टमैटिक रिस्क, वी कैन से दैट अभी थोड़े टाइम पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तभी हमने जो एग्जैक्टली मार्केट डाउन गया था वो हमारे कंट्रोल में नहीं था. दैट वॉर, दैट इज द थिंग, द वॉर दैट इज नॉट अ कंट्रोलेबल फैक्टर. The so we can say that it is a systematic risk, and in unsystematic risk we can say that before 7 to 8 years Satyam ka financial ki wajah se uska exactly price down hua tha, so we can say that it is the unsystematic risk. So how would you use derivatives to protect or to protect yourself against unsystematic risk? अनसिस्टमेटिक रिस्क में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं. लाइक वी कैन से दैट एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये तो इन्वेस्ट करने की बात हुई, आई एम सेइंग हाउ वुड यू यूज डेरिवेटिव्स फॉर दैट. एक ही कंपनी का ऑप्शन फ्यूचर या कुछ भी लेने के बजाय अलग अलग कंपनी का फ्यूचर ऑप्शन ये सब ले सकते हैं, कॉल फ्यूचर ऑप्शन. सो गिव मी एन एग्जांपल, एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए और उसका उसके बाद एक एग्जांपल दीजिए. सो लेट्स से फेड मीट होने वाली है, तो किस तरह से आप, दिस इज अ सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क? फेड मीट इज अ अनसिस्टमैटिक रिस्क. ओके, तो उसका आप डेरिवेटिव से किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करोगे? इन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द फेड मीट द रेट विल बी हाइक एंड अकॉर्डिंग टू दैट इन फ्रॉम द इन द बैंकिंग इंडस्ट्री आई फ्रॉम द बैंकिंग आई परचेज द पुट एंड फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री आई परचेज in the IT I'll purchase call, like that I'll purchase from the different industry I'll purchase it. So you'll purchase puts or calls depending on which industry it is? Yes. Or aapka presumption hai ki kya hoga, rate hike hoga, kitna rate hike would you presume on that? Give me an estimate, I'm not saying. So what is your estimate, kitna rate hike ho sakta hai jiske basis pe aap ye strategies karoge? 0.25. अगर 0.5 हो गया तो ये सब स्ट्रेटजीज में क्या सिचुएशन आ जाएगी? As I am assuming that the rate will be hiked, so I have purchased accordingly. So 0.25 or 0.5, that doesn't matter. चलिए, तो अभी आपने सिटी राउंड की जो पहला हमारा ऑप्शन था, जो डेरिवेटिव पिच राउंड है, उसके चारों कंटेस्टेंट के सामने टॉपिक्स भी सुने और चारों कंटेस्टेंट्स के ऊपर जो सवाल जवाब थे वो भी सुने. चारों कंटेस्टेंट्स से रिलेटेड जितने भी स्कोरिंग है वो जजेस ने कर ली है, और इसी के साथ ही अब हम खत्म करते हैं हमारा पहला डेरिवेटिव पिच राउंड.